अध्यक्ष हिशाम उस्मानी ने औरंगाबाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के खिलाफ थे और उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की स्थापना के दौरान शिवसेना के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की थी और इस तथ्य के बावजूद कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों जिलों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। ऐसी जानकारी उन्होंने इस वक्त दी। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करते हुए जो भी पक्ष की तरफ से निर्देश आते रहे, मैंने उन सबका पालन किया। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे पार्टी को मजबूत करूं, संगठन को मजबूत करूं। लेकिन जब ये मुद्दा सामने आया नामा बदलने का, तो मैंने अपने पक्ष के नेताओं को मेल के जरिए ये बात बताई कि अगर इस मुद्दे के ऊपर अगर हम अपना स्टैंड बदलेंगे, जो हमारी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही कि हम किसी भी नाम बदल को समर्थन नहीं करते, और ये मुद्दा वो जो 22 प्रोग्राम जो 22 पॉइंट्स पे जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें हमारे उस समय के आदरणीय अहमद पटेल साहब भी उसमें मौजूद थे, दिल्ली से आए थे साहब यहाँ पे, तो ये उसमें नहीं आता है 22 पॉइंट्स में, तो इसमें हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी विचारधारा या स्टैंड के लिए जाना जाते हैं और उससे जो हमारे साथ जो रहने वाली जनता है, सेक्युलर जनता है, वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। और जो हमारा स्टैंड है कि हम किसी भी शहर के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि नाम बदलना नहीं चाहिए, जो नाम है वो वैसी रहना चाहिए, तो हमने इसको अपोज करना चाहिए। ऐसा मैंने अपनी पार्टी के दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे वरिष्ठ नेताओं को मेल्स के जरिए बात बताई थी। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं पार्टी के अंदर, जो सेक्युलर लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर से प्यार करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो इससे खुश नहीं है।